सो हेयर इज़ द ब्यूटी इटालियन। और मैंने कहा था ना कि कुछ ख़तरनाक आने वाला है, तो डुकाती आ गई है और ख़तरनाक लग रही है भाई, बहुत ही कॉम्पैक्ट लग रही है सबसे पहले तो। ओहो, सो लड़का आ चुका है डुकाती प्यारे गैले 959 पे, और आज इसको भगा के देखेंगे। और वैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी मैं एक बाइक की तलाश में हूँ अच्छी, सो लेट्स सी कैसा चलती है, कैसे परफॉर्म करती है। बट उससे पहले मुझे अपना गोप्रो चेक करना पड़ेगा, एक बार गोप्रो देखना है कि रोल हो रहा है कि नहीं, बिकॉज गोप्रो धोखा बहुत देता है। तो बाय द वे, इस वीडियो में पहली बार मैं कोई पावर फिगर्स की बात नहीं करने वाला हूँ, ना ही मैं आपको ये बताऊँ कितना प्रोड्यूस करती है, क्या टॉर्क है, कुछ भी नहीं। इस बार इस वीडियो में सिर्फ एंजॉय करने वाले हम पहने गए 959 को देहरादून में। दिस इज हाउ वी रोल मैन। वाओ, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट फील हो रही है और मज़ा आ रही है। गियर डाउन करते हैं वैसे तो। बढ़िया, काफी बढ़िया यार, मजा आ रहा है भगाने में। अब लग रहा है देहरादून प्रॉपर आया हूं मैं। पहला गियर लगाते हैं। बाप रे, जबरदस्त भाग रही है यार, और पहले गियर में थ्रोटल देते ही ये बाइक उठने के लिए तैयार है। एक्चुअली ये डुअल सिलेंडर मोटरसाइकिल है, तो इसलिए इतनी ज्यादा टॉर्की फील हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, ट्रैक्शन कंट्रोल, एबीएस, अभी ट्रैक्शन कंट्रोल 3 पे, अब एग्जैक्टली नहीं पता कितने लेवल है इसमें। और मैंने कहा ना, इस बार मैं कुछ भी चेक नहीं करने वाला हूँ, बाइक लगी है रेस मोड पे, गियर पोजीशन इंडिकेटर दे रखा है। और डुकाती का जो पोस्चर है बड़ा कमिटेड लगता है यार, जो साइज है, जो पोस्चर है, सही बताऊँ तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट फील होती है। इसके जो डायनामिक्स हैं, जो इसका सीटिंग पोस्चर है, सीटिंग कम्फर्ट है, हर एक चीज़ मस्त लगती है मुझे। ऑल दो अगर आप शहर में चलाओगे, सिटी के अंदर राइड करोगे ना, तो थोड़ा सा गर्म हो सकती है, बिकॉज डुकाती इसीलिए फेमस है। बट यार अगर आप देहरादून में हो और रोड्स हैं आपके पास अच्छी, कर्व्स हैं, कॉर्नर्स हैं, तब तो भाई मज़े हैं आपके, पूरे मज़े आएंगे। एक बार थैंक्स कहूँगा डॉक्टर सर को, बिकॉज मेरे लिए उन्होंने टाइम निकाला, तो बहुत अच्छा लगता है जब आप कहीं जाओ और आपकी ऐसे पूरी फैमिली बन जाए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है, मज़ा आती है। भैया हमें लीड कर रहे हैं वर्सेस पे। डुकाती ना विंटर्स के लिए बहुत बढ़िया है, तो मेरा मन है कि एक 959 या ऐसा कुछ ले लिया जाए यार, क्योंकि मैंने अगर इटालियन मोटरसाइकिल्स की बात करें तो हमने MV अगुस्ता ओन करी है, वो भी बहुत ख़तरनाक थी भाई, बहुत ही ब्रूटल थी, ऑलमोस्ट 150-160 BHP की बाइक थी। एंड अगर पाने के लिए 959 की टॉप स्पीड की बात करें तो क्लोज टू 270-280 ये कर देती है। पावर भी अच्छी खासी है इस बाइक में, 900 को ईजिली स्मोक कर देगी। अब डेफिनेटली करना भी चाहिए, बिकॉज जो प्राइस है वो थोड़ा हायर साइड पे है, डुकाती है तो महंगी होती है डुकाते, आपको पता है। और अल्टीमेट ब्यूटी है यार ये, अल्टीमेट मज़ा आ रहा है यार। बहुत ही मेंटेन डुकाती है ये, बाकी हाइड्रोलिक क्लच आपको मिलेगा, ब्रेक्स टॉप नॉच मिलेंगी, हर एक चीज टॉप नॉच होगी। क्विक शिफ्टर काम कर रहा है अप शिफ्ट के लिए, डाउन शिफ्टर आई गेस नहीं है इसमें, बिकॉज डाउन शिफ्ट आपको मैनुअल करना पड़ रहा है, ऑटो ब्लिप नहीं हो रहा है, ना ही डाउन शिफ्ट हो रहा है। बट खैर मुझे पसंद है यार, मुझे रॉ बाइक्स बहुत पसंद है। अप शिफ्टर तो भाई मक्खन चल रहा है, लिटरली एकदम मक्खन चल रहा है। मज़े आ गए यार देहरादून में। मैंने कहा यार काम वाम तो चलता रहेगा, अपना जो पैशन है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अपर पता नहीं कहाँ से चल रहा है, चलो खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस टाइम, डाउन शिफ्ट करते हैं। ज़बरदस्त यार, एक नंबर मशीन है मैन, एक नंबर। और मुझे पता है अपने भाई लोग ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, तो सबको एक बार दिल से थैंक्स यार,
डैजल भाई अपने, जिनके बिना पॉसिबल ना हो पाता, लास्ट टाइम का मीटअप भी ज़बरदस्त हुआ था। तो अब तो ऐसा लगता है कि यार देहरादून तो अपना घर हो गया है, बहुत अच्छा फील होता है। कहाँ रह गए बाकी लोग? अच्छा आ तो रहे। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया कसम से। अभी हम लोग लेंगे थोड़ी फोटोज। एकदम बॉडी में वो कर दिया है, बहुत बहुत अच्छी चल रही है, बहुत मेंटेन्ड है। जो मैंने चलाई थी ना वहाँ पे, उसकी हालत बहुत खराब थी, ये बहुत बड़े चल रही है। हाँ शीशे बहुत महंगे हैं। उसके बाद अब आएगा, चार महीने में आएगा, उसके बाद लगेगा। 18 का सेट है, एक है एक V4 के पार्ट सस्ते हैं, मतलब 12.5 का पड़ रहा है V4 का। V4 इसलिए सस्ता है ना क्योंकि V4 उन्होंने ऐसा इंडिया के लिए वो कर दिया है, बहुत लोग चला रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। BIC पे एक स्पेसिफिक ट्रैक पे वो बना दिया है, डुकाती का अलग है, बाकी सारे ब्रांड्स का एक साथ है। हाँ अभी एक ट्रैक डे हुआ था ना, तो उसपे जैसे कोई डुकाती क्रैश हो रही थी ना, कुछ नहीं पूछ रहे, डुकाती ला रहे, बना रहे, उसके बाद आपसे बताएंगे कि ये हुआ है, ये हुआ है, आपकी बाइक 10-15 मिनट में रेडी कर दे रहे हैं वो लोग। तेरे को लेनी है ये? हाँ मुझे, आप निकाल लो क्या? घर जाए। हाँ तो हाथ कैश दे के ले जा रहे हैं, इसी बाइक से जा रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस वे वो नहीं नहीं वो 2623 2623। टोटल है वो, TOT लिखा है। हाँ फोटोज लेनी है थोड़ी, किधर आसपास किधर फोटोज ले सकते हैं? ये रोड सही है ना? नहीं अभी नहीं मोड़ रहा, देख रहा मैं। अरे ये बहुत बढ़िया बाइक है यार। इसी बाइक की वजह से मुझे वो हुआ कि मुझे ऑफ रोड मोटरसाइकिल चाहिए, कितनी मजा आ गई मुझे चला के। बाय बाय। ओहो धीरे धीरे जब से मैं देहरादून आया हूँ तब से मुझे जिक्सर से थोड़ा सा प्यार सा हो गया। बढ़िया चल रही है, मस्त बाइक है यार, बहुत ही प्यारी बाइक है, मज़ा आने लगता है इसको चलाते रहो आप तो। बाकी अपने सारे भाई लोग, अपनी जो फैमिली है देहरादून की, वो सब निकल गए उधर, तो अब सब घर निकलने आएंगे, वापस जा रहे हैं अपने अपने जगह पर। एक्चुअली डैजल एंड ऑल सब हरिद्वार से हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो सब उधर ही निकल जाएंगे। और फिर से एक बार थैंक्स कहूँगा यार सबको कि टाइम निकाला मेरे लिए, डॉक्टर साहब को स्पेशली। मुलाकात होती रहेगी, अब जितने लोग देहरादून में मिले फैमिली बन गए अपनी, बढ़िया लगता है यार बहुत। ऐसे ही कानपुर वाले अपने भाई लोग, सबको जब याद करो ना लगता है यार अपने कितने लोग हैं हर जगह, बहुत अंदर से खुशी होती है, लगता है एक रीज़न मिलता है कि जाने का। अब मुझे सिर्फ एक दिन का काम था, बट मैं यहाँ 3-4-5 दिन इसीलिए रुका हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि अपना घर अपनी फैमिली है यार, ज़बरदस्त। यही फील आना चाहिए हर जगह से, मैं चाहता हूँ। अपने लखनऊ वाले भाई लोग भी बहुत अच्छे हैं, वो कुछ निकल गए 4-5 जिनको जलन है, अलग ही पता नहीं किस चीज़ की जलन है। कोई नहीं, हमें किसी से कोई वो नहीं है यार, जब तक कोई हमारे पोक ना करे तब तक हम किसी को वो नहीं करते। सब बढ़िया, सबसे अच्छे से रहो, सबसे प्यार से रहो, और हमेशा ग्राउंडेड रहो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है।